बड़े नेता आपके गांव में आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जल्दी जल्दी उनका स्वागत करने के लिए, मान सम्मान करने के लिए। राम राम संज्ञान। आज ने जयप्रकाश जी आपके गांव में इंडिया के गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व में मंत्री रहे जयप्रकाश जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। जय प्रतारियों से स्वागत करें, जय प्रतारियों के साथ। गर्मी का मौसम है और आप लोग इतनी भारी संख्या में स्वागत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय जयप्रकाश जी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पेट्रोलियम मंत्री है जयप्रकाश जी के आपके गाँव में पहुंचे, धन्यवाद स्वागत करते हैं। भाई सभी साथी बैठ जाए एक बार, जो स्टेज के आगे खड़े हैं ये बुजुर्गों से भी अपील है, ताऊ जी बैठो बैठो लोगे ताऊ बैठो एक बार बैठो, मैं चाहूंगा तालियों से स्वागत करें। बड़ा मान सम्मान बड़ा स्वागत आप लोगों ने माननीय जयप्रकाश जी का किया, तो आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं सभी आराम से एक बार बैठ जाए। आने जयप्रकाश जी जेपी पूर्व में पेट्रोलियम मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के हिसार लोकसभा से आपके भावी सांसद आपके बीच में आपके गांव में पहुंचे। भाई सतेज वाले साथियों से भी अपील है, थोड़ा स्टेज सतेज पे ज्यादा भीड़ ना करो, ये आपसे हजार का रिक्वेस्ट है, सतेज पे ज्यादा भीड़ ना करो। भाई अपने आप इस अनुशासन को समझो, आप लोग समझदार हो, जोरदार तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों के साथ। वो भी माइक वाली का किसे अपील है वो भी स्टेज पे पास आए। आया तार दिल्ली छोड़ जाए आज बड़ा खुशी का दिन है हमारे बीच में, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट भाई जयप्रकाश जी पहुंचे हैं, आप पूरे गांव की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो हम कांग्रेस पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना चाहते हैं, इन्होंने हमारी चाप के अनुसार हमारी इच्छा के अनुसार बढ़िया चुनाव कैंडिडेट के हमारे बीच में बैठा है, हम कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग तालियां बजा के धन्यवाद करें। पगड़ी बांध के सम्मानित करने वाले साथी सर्जन सेक्रेटरी जी शिशाय बोरा से पगड़ी बांध के जयप्रकाशियों का मान सम्मान कर रहे पहुंचे हैं, इनका धन्यवाद है। सारी ये पगड़ी बांध के सभी नीचा दे रहे हैं और से लोग इनकी पगड़ी बांधने का मौका दे रहे हैं। ये पलक है 4 लाख वोटर तो जीत रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे
जेपी समाज की तरफ से पगड़ी बांधेंगे जयसिंह रोहिला जी, ऊपर को आ जाओ भाई, थोड़ी ही तो जगह बनाओ, जगह बनाओ, थोड़ा जोर से बैठो। जेपी समाज की तरफ से जयसिंह रोहिला जी पगड़ी बांध के जयप्रकाश जी का सम्मान करेंगे। नायक समाज की तरफ से वजीर एडी, नायक समाज की तरफ से पगड़ी बांध के जयप्रकाश जी का वजीर, नायक समाज की तरफ से वजीर, मुस्लिम समाज की तरफ से पीर दुहार व बेदान, मुस्लिम समाज की तरफ से पीर दुहार व बेदान, ये पूरा मुस्लिम समाज आपका समर्थन दे प्रधान जी। पाजीगंज समाज की तरफ से आजाद आजाद भाई ने पगड़ी बांध के सम्मान किया है जयप्रकाश जी का, मुसलमानों की तरफ से तीन वारण नाम दोनों आगे पगड़ी बांध है, समाज जाति की तरफ से, समाज जाति की तरफ से लालजी राम समाज, लालजी राम जी वाल्मीकि समाज की तरफ से कर्मा भोजी, वाल्मीकि समाज की तरफ से कर्मा भोजी पगड़ी बांध के सम्मान कर रहे हैं, समाज जाति की तरफ से लालजी राम जी, अरे वो बुढ़ा बड़ा बिहार ले लियो रामपाल सनोपात राम का शिशाए बड़ा की तरफ से पगड़ी बांध के सम्मान करेंगे रामपाल सनोपात राम। ओम प्रकाश सनोक बनवाली हाई सर्कल शिशाए बोड़ा पगड़ी बांध के सम्मान करेंगे, धर्मवीर वाल्मीकि शिशाए बोड़ा के वाल्मीकि समाज की तरफ से धर्मवीर वाल्मीकि आज उड़े बाजे समाज के समाज छतरपाल शिशाए बोला, छतरपाल शिशाए बोला पगड़ी बांध के सम्मान करेंगे, धर्मवीर वाल्मीकि शिशाए बोला थोड़ा कृपा सटेज में व्यवस्था बनाने की कोशिश करें, सभी साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। Thank you.
रामनाथ शर्मा जी, प्रमोद कुमार जी, जसी जेठवाल जी, अमन दत्ता जी, सुरेश पल्ली, और उनको महिला के हवा आयोग के माफी मांगूंगा। हर काम की तरफ से मैं जी इनका सभी का पूरे काम की तरफ से स्वागत है, धन्यवाद है। और जयप्रकाश जी इस काम का दोष न देख के बताओ, एक बात सुन लो मेरी, एक मिनट मेरी बात सुन लो। पीछे वो 10 साल का 10 साल का राज आपने देखा, फिर उसके बाद 9.5 साल का राज बीजेपी का देख लिया। इन नौ ताजा नारियों अगर कांग्रेस सरकार में काम तो बढ़े हो मांग के तो वोट दे दो जयप्रकाश ने, और काम नहीं बढ़े हो तो बेसन की जब देख लो काम का कोई जवाब नहीं। काम इस बात के हत्या के तो सभी करवाते काम बने थे कि ना बने थे, एक बार सारे विश्वास दिला दो जयप्रकाश ने। मैं काम में काम बीजेपी सरकार में कोई ढंग का काम काम का नहीं मिला है। फिर दूसरी बात, किसानों का रखे हैं सरपंच आंगनवाड़ी के सारे पीटे हैं गेट की, सारे काम का हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ज्यादा से ज्यादा वोट 25 साल है ना आपके लिए, सारे आगे जयप्रकाश ने भी बुलाओ। वाड़ा जी कड़े हो जा सिसाए गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और साथियों, मैं एक बहुत लंबे अरसे के बाद इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में आया। और सही बात तो यह है कि शायद कांग्रेस में एक लंबे अरसे के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिकमेंडेशन से कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने हमें यहां पर भेजा। बहुत सी तरह तरह की चर्चाएं बीच में चलती रही, लेकिन ये पहली बार इस तरह का मौका है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक टिकट, जो हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करते थे हमारे विरोधी पक्ष के भाई, पहली बार हरियाणा बनने के बाद BCA को कांग्रेस ने टिकट दी। तो हमारे साथी राज बब्बर जी जो गुड़गांव से लड़ रहे, 2 OBC को दी, सोनीपत की टिकट सबको पता है कि वहां किसको मिलती थी, लेकिन वहां पर ब्राह्मण समुदाय के ब्रह्मचारी सतपाल महाराज की दी। तो इसी तरीके करनाल में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हमारे नौजवानों के अध्यक्ष हैं बुद्धि राजा जी को लड़ाया, हिसार में मुझे लड़ाया। तो इस तरह की टिकटों का बंटवारा हुआ। तो उसी दिन रात को हरियाणा प्रदेश की जनता ने, 36 बरादरी के लोगों ने निर्णय लिया कि हम कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। तो इसमें ये बात स्वाभाविक है कि 26 तारीख को फैसला हुआ, 27 तारीख को जब हमने हिसार जिला की सीमाओं पर अपना यात्रा शुरू की, जितना प्यार प्रेम और स्नेह मुझे बहुत लंबे अरसे के बाद, या तो इतना जोश देखा था मैंने 2004 में, या इतना जोश सबकी बात बल्कि उससे भी ज्यादा, यानी कि लोगों की एक सोच है कि इस देश में, इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो। मैं तो आपको केवल दो बात कहूंगा, आज पूरा देश का विपक्ष इकट्ठा क्यों हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान बदलना चाहती है। बुजुर्गों और भाइयों, इस संविधान को बनाने में, संविधान को लिखने में, जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और उनकी टीम ने बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन संविधान लिखने का समय आए उसके लिए हमारे हजारों हजार हमारे इन साथियों ने, जैसे भगत सिंह जी का फोटो हमें चित्र दिया, तो इन जैसे लोगों ने हंसते हंसते अंग्रेज की फांसी के फंदे चूमने का काम किया, अपनी जवानी का टाइम अंग्रेज की काल कोठरी में बिताने का काम किया। एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद
हमने आजादी मिली, आजादी के बाद हमने संविधान लिखा, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस देश के पूंजीपति के हाथों में कठपुतली बनकर के चल रही है, तो हमारे इस व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, ये प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज से 5 महीने पहले किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, जहां इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार मेयर को जबरदस्ती हराने का काम किया, आज से 10 दिन पहले इंदौर के अंदर हमारी पार्टी के उम्मीदवार का जबरदस्ती नामांकन पत्र नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया, इसी तरीके से गुजरात में लोगों ने किया, यानी कि आज नरेंद्र मोदी जी और उसकी टीम का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। ये चाहते हैं ना खाता ना बही, जो चाचा कहे सो सही, तो इस बात को लोगों क्या बर्दाश्त करोगे। कई साथी कह देते हैं बीजेपी बीजेपी, आपको मैं एक ही उदाहरण देकर के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि 2014 में जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो कलायत में मैं निर्दलीय चुनाव जीतता था, लेकिन पहला ऐसा मौका है देश में कि इंडिपेंडेंट जीतने के बाद भी मैंने बीजेपी का समर्थन नहीं किया। और मुझे कई साथियों ने कहा कि जयप्रकाश जी आप इंडिपेंडेंट जीते हो, सरकार का समर्थन क्यों नहीं करते। मगर भाई बहुत माड़े लोगों की सरकार है, एक बार तो बहुत अच्छा बोलेंगे लेकिन इनका कलच में फंसा फंसे फिर बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इसलिए मैं इनका साथ नहीं दूंगा। और मैं तो आज आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने इनको बदलने के लिए पूरे देश में एक बड़ा भारी गठबंधन बनाया, वरना कोई राज है क्या कसूर था उस दलित के बेटे का हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, आज 11 महीने से जेल के अंदर बंद है, केजरीवाल जी जेल के अंदर बंद है, हमारे दूसरे साथी जेल के अंदर बंद है। यदि कोई भाई अब मुझे कह देना, रात एक प्रोग्राम था हुडा साहब का, तो बोले जी बोर्ड तो सारे जाएंगे, ईडी का एक तोता आवे सवेरे सवेरे, बोले उससे डर लागे, तो ऐसा तोता बिठा दिया भाई भाई लोगों के मन में। मैं तो एक ही बात आपसे कहूंगा, हमारे सरपंच साहब कह रहे थे कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का काम आज मनोहर लाल जी का 10 साल का काम की तुलना कर लेना, मनोहर लाल के तो कांड है जी, काम सही है। कांड है कांड। और सबसे बड़ी बात है सिसाए गांव के लोग तो जानते हैं, बल्कि मुझे पिछले चुनाव में 14 में कांग्रेस पार्टी जीती थी तो सिसाए गांव से जीती थी, बाकी जगह कहीं नहीं जीत पाई थी, क्योंकि हुड्डा साहब की बात को आपने स्वीकार किया था। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जयप्रकाश सिसाए गांव के लिए नया नहीं, 3 बार आप लोगों ने मुझे यहां से जितवा करके भेजा है, मेरे लिए सिसाए गांव को नया नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्यों तो परिवार के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो इसलिए मेरी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी का तो मुख्यमंत्री सा है दोनों रबड़ का नहीं खड़ा कर दे मानस ने आलदा ही नहीं, ये एक ऐसा मुख्यमंत्री मैंने जिंदगी में देखा मनोहर लाल जी, जिसने किसान मर गए 730 किसान अपनी शहादत दी, ये बताओ लोगों आड़े को लिख रहे थे तो इन्हें मांड पिटने की जरूरत थी, अब बात करते हैं कि भाई किसान हमारा विरोध करते हैं, क्या करेगा किसान, देश का अन्नदाता किसान, देश का निर्माता मजदूर, जब किसान और मजदूर दोनों दुखी होंगे तो देश शांति से चल नहीं सकता। आप जैसे कह रहे हैं शहीद हुए थे भाई राजवीर सिंह काई रावण से, तो ये बहुत बड़ी बात थी, जैसे हम देश की आजादी के दीवानों को याद करते हैं, ऐसे जो हमारे भाई राजवीर शहीद हुए उनकी आत्मा स्वर्ग में एक बार जरूर कहेगी, शांत रहेगी, जब सिसाए गांव का एक एक नर और नारी का वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा तो उनकी आत्मा बड़ी शांत रहेगी, क्योंकि वो सोचेगा कि इन जालिमों की वजह से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। जब हम देश की आजादी के लिए अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हमने इस किसानी को बचाने के लिए हमने अपने किसान शहीद किसानों को भी याद करना चाहिए। आज कुछ साथी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए बीजेपी को छोड़ करके, मैं साथियों के नाम बताना चाहता हूं, राजकुमार हलवाई, किशन सिहाग, सुभाष रोहिला, जगदीश रोहिला, रामपाल रोहिला, सतीश रोहिला, प्रदीप रोहिला, जय सिंह रोहिला, महेंद्र सिंह रोहिला, कुलदीप
पप्पू टिन्नी टोनी जसवीर दिलबाग प्रेम राजवीर महावीर अनूप सिंह बलजीत सिंह सुरेंद्र सिंह कुलदीप रामनाथ प्रकाश आजाद तेलू और प्रकाश मैं सब साथियों का दर्जे फिर तो आजे मेरे तो एक गुहा में हट गया आज तो मैं साबित खड़ा करूंगा आज आजा या मारा जा इतने मारा कर लूंगा तेरा स्वागत करूंगा रहन कौन दे था सुनील सुनील है तेरा नाम है फिर तेरा नाम नाम क्यों करी रहा ए यार ले तेरे मैं कर लूंगा सुनिया कौन तीसरा नंबर तेरा है था तो साथियों इन्होंने सुनो भाई देखो उनका पहला नाम ले दियो चाहे को बीजेपी छोड़ के आया क्या जेजेपी छोड़ो या लोकदल मैं तो एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा कुछ भाई है जो हो सकता है जेजेपी के साथ रहे हों कुछ भाई हैं हो सकता है लोकदल के साथ रहे हों मैं तो एक बात कहना चाहूंगा जो जेजेपी का आदमी जेजेपी को वोट डालेगा सीधा लाभ मनोहर लाल को होगा लोकदल का भाई लोकदल को वोट डालेगा सीधा लाभ मनोहर लाल को होगा अगर वो साथी ये चाहें कि अपने शहीदों की जो शहादत थी उसको मुकम्मल हम करें इन पापी प्रवृत्ति के नेताओं से इस प्रदेश के देश का पीछा छुटाए तो एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देना आपकी बहुत बहुत एक मिनट बता एक मिनट देश हित में मेरी तो बात तो सुन लो काम किया है 6,000 रुपये मिलेंगे जटियालो 6,000 मिले तो आपका शाम ना आइयो जी फिर निर्माणा पड़ेगा एक बात है एक एक बात तो मंदिर क्यों ठोके तो नहीं नहीं बोले सही बोल रही सांझा ने बोल लेंगे कोई बात को नहीं नहीं मैं तेरी वकालत कर ला रहा तू डर तो जा आज तो थोड़े बोला जी 6,000 महीने के मिलेंगे नहीं हो गंदा मैं तो पहला तम यू कह कर देखे जेपी उल्टे काम करे मेरे तो रोजेगी कि मुझसे नाम गड़बड़ मैं फिर ठीक है तो यानी कि 6,000 रुपये महीना बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन 100-100 घर के हर SC/BC को 100-100 गज के प्लाट में दो दो कमरे का मकान हर घर को 300 यूनिट बिजली इनको भी 500 रुपए का सिलेंडर आपको मिलेगा एक और इनको और फायदा होगा नाराज ना हो 6,000 तो बुढ़िया ने पेंशन मिलेगी और 10,850 महीने के अलग से मिलेंगे साल के 1,00,000 अनाउंस कर दिया हाँ बात बन जी ने 14.5 में तो मौज हो जाएगी 14.5 और 6,50 लाग गया कंडक्टर अगर आए तो भाई एक बात कहना चाहूँ अभी आऊंगा सबसे बड़ी मांग जिसके लिए 730 किसानों ने अपनी शहादत दी और ये बड़ी पुरानी मांग है कि MSP फार्मूला कैसे हो C2 स्वामीनाथन कमीशन ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी और आप लोगों को याद होगा 2 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था रायपुर में तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके चेयरमैन बनाए थे और वहां पर घोषणा हुई थी कि हम जैसे ही सरकार आएगी हम MSP C2+50% प्रॉफिट का फार्मूला निर्धारित करेंगे और जो उससे नीचे खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान करेंगे ये बात हमने घोषणा की और एक और है अभी तो ये कर्मचारी लाठी लेकर पड़ लेंगे मेरी गेला जो हमारे सरकारी कर्मचारी भाई है उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है OPS जो कर्मचारी हैं OPS ओल्ड पेंशन चाहते हैं उनको वो दी जाएगी बता भाई और तरफी है एक एक लेकिन सांसद बनने के बाद इस गांव में पीने के पानी की समस्या है जबरदस्त भाई वोट देवेंगे बिल्कुल एक जना बोलो बोलने भाई
मैं समझ गया, एक बात याद हुआ, मतलब भाखड़ा से पीने का पानी वाटर वर्क्स में आना चाहिए। आज मैं एक बात कहूँ, मेरी जहाँ तक बुद्धि काम करे है, देखो पक्के तो नहीं मैं कह सकता, कदे कह दो तू डर डर पुकार है। यहाँ पर ये इन गांव में पहले एक बार जब तो रणबीर सिंह कृषि मंत्री थे उस वक्त तो भाखड़ हुआ था 1963 में। अब जेपी ने तो एमपी बना दोगे और मेरे एमपी बन दे उड्डा शायद कई दिन की बात नहीं देखे, सरकार आयल रही है, आज भी पांचों का समर्थन मिल जाए। मैं दोनों गांव के बीच में खड़ा होकर के कह रहा हूं कैसे भी इंतजाम करूं, इसका पानी का इंतजाम करेंगे, क्योंकि इंसान को अगर पानी भी नहीं है पीने का, पानी नहीं है तो वहां जीना ही अब एक और बात कहूंगा बात सुनो नहीं ये जायज बात है ये जमाने जब सारे इकट्ठा फिर मान जो नहीं मैं एक बात कह के जाऊं सारे गांव के बीच में ये मांग ऐसी है जी क्यों जरूरी है। अब डॉक्टर गांव में की बात थी, डॉक्टर वाले मेरे को बताया, मैं तो नहीं रहा था उसको, बोला जी हमारे गांव में पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी, शायद उनको पानी दिया के दिया है दीपेंद्र ने, दीपेंद्र भी दूसरे का छोड़ा है, तीन करोड़ 15 लाख रुपया का। भाई मेरे ठीक संबंध है और मैं इसीलिए हुड्डा साहब के साथ हूँ, ये आदमी ऐसा नरम है, जब तामने दो आदमियों ने गले लेके जाऊंगा नहीं कि मैं एक वायदा करके आ रहा हूँ कि अब इनका पानी देना चाहिए पीने का, ये एक इंसान का और मुख्यमंत्री की इंसानियत है, देना चाहिए। ये तो फर्क हुड्डा साहब में, चार आदमी जाके मना लिया, मनोहर लाल तो इशा था तो रबड़ का जमाने बटा टेटा कर, तो इसलिए ये काम करेंगे, आपकी मांग बड़ी अच्छी है। और मेरे सिर के ऊपर 36 बरादरी के लोगों ने अलग अलग पगड़ी बांधी है, सिसाए गांव सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से परिपक्व गांव, और एक बड़ी कुहावत है वोट किसे गांव के कितने हो, ब्लैक सिसाए गांव बड़ा भी में सिसाए गांव आता है, सिसाए गांव की जयप्रकाश के सिर के ऊपर रखी पगड़ी को अपमानित नहीं होने देंगे, चाहे सर्वस्व कुर्बान करना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गंगनखेड़ी गांव से सतबीर ब्लॉक समिति मेंबर छिम्बी, गंगनखेड़ी गांव से ब्लॉक समिति के छिप्पी जाति बैकवर्ड क्लासेस के हैं, समर्थन देना समर्थन देने आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। फिर जैसे मिनिस्टर बन गए छोड़ दे। चलो भाई फिलहाल आप सिसाए गांव से जयप्रकाश जेपी का जो प्रोग्राम देखने लग रहे थे इस वक्त लाइव देखने लग रहे थे सिसाए गांव से, आप लाइव तस्वीर ये देखने लग रहे थे इस वक्त, तस्वीरों ने शेयर कर दो भाई, धन्यवाद। चलो बस 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 पैंगले दे दिए कुछ ना काम आज क्या लग और जी शिल्पा जी कैसे हो, पूरे पसीना ना रखे आप Yeah.